नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ नम्रता चंचूत्रा। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के परिणामों में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। भाजपा और कांग्रेस को पछाड़ते हुए आपकी धमाकेदार एंट्री हुई है। चलिए जानते हैं क्या है चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों का रिजल्ट। भाजपा को बड़ा झटका देते हुए आपने कुल 35 सीटों में से 14 पर जीत हासिल की है। वहीं भाजपा ने 12 और कांग्रेस ने 8 सीटों पर जीत हासिल की है। आपको बता दें कि अकाली दल को 1 सीट पर जीत हासिल हुई है। वहीं भाजपा के मेयर रविकांत खुद वार्ड नंबर 17 से चुनाव हार गए हैं। उन्हें आम आदमी पार्टी के दमनप्रीत सिंह ने 828 वोटों से हराया है। भाजपा के 3 पूर्व मेयर भी हार चुके हैं, देवेश मोदगिल और राजेश कालिया चुनाव हारे हैं, जबकि पूर्व मेयर अरुण सूद अपने वार्ड में भाजपा प्रत्याशी को नहीं जिता पाए। वहीं वार्ड नंबर 23 से आम आदमी पार्टी की प्रेमलता ने कांग्रेस के रविंद्र कौर को 681 वोटों से मात दी है। वार्ड नंबर 35 से भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र कुमार शर्मा ने आम आदमी पार्टी के जगजीवन जीत सिंह को 474 वोटों से हराया है। वार्ड 19 की बात करें तो आपकी नेहा ने 804 वोट से जीत दर्ज की है। वहीं वार्ड नंबर 4 से आम आदमी पार्टी की सुमन देवी विजेता रही। वहीं सेक्टर 10 में मतगणना केंद्र पर काउंटिंग को लेकर विवाद भी हुआ। अभी वार्ड नंबर 4 की रिकाउंटिंग चल रही है। वहीं वार्ड नंबर 2 की रिकाउंटिंग की डिमांड के लिए हरमंदर सिंह ने सेक्टर 10 के काउंटिंग सेंटर पर विवाद बढ़ गया। भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और राघव चड्ढा अंदर जाने की मांग पे अड़े रहे। उनका कहना है कि भाजपा जबरन वार्ड से जीत हासिल करना चाहती है। इस हार से बीजेपी के खिलाफ शहर वासियों में रोष साफ दिखाई दे रहा है। 24 दिसंबर को हुए नगर निगम चुनावों के बाद सोमवार सुबह 9 बजे से शहर में 9 सेंटर पर मतगणना का काम शुरू हो गया था। वहीं शुरू से ही कांग्रेस और आपके प्रत्याशियों ने बढ़त बनाई शुरू कर दी थी। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट करना न भूलें।